Good afternoon, students. Welcome to TSN online classes. So our first lesson, A Letter to God, from the book First Flight, which we were given two poems. The first one is Dust of Snow and the other one is Fire and Ice. So today we'll start Dust of Snow, written by Robert Frost. So basically Robert Frost, certain 8 lines given in his poetry. So this poetry or this poem signify the importance of small things, which we can sometimes seems simple but have a larger significance in our times of depression or hopelessness. Alright, see, students, generally we would have formed the perception of many things in our life, like many superstitious things in our life. Sometimes we sneeze, okay, so we thought ki kuch negative hone wala hai. Similarly, crow bhi hum kiske symbol samajhte hai? Symbol of death, right? Sab abhi kisi ki death ho jati hai, to us death par hamare means dear or near ones ki jab death ho jati hai, to death par koi auspicious day par hum crow ko matlab jo meal hota hai, first meal wo offer karte hain. क्योंकि क्रो को भी हम क्या समझते हैं, अ सिंबल ऑफ डेथ. सिमिलरली हेमलॉक जो ट्री है, दिस इज रिलेटेड टू समथिंग वेरी नेगेटिव. इसको भी नेगेटिव वे में लिया जाता है, मतलब हेमलॉक ट्री भी एक नेगेटिविटी को शो करता है. अब यहाँ पे हेमलॉक ट्री क्या होता है, बेसिकली हेमलॉक ट्री होता क्या है, जैसे आप लोगों ने नीम, लिली, रोज और ये सारे तो ट्रीज के बारे में या प्लांट्स के बारे में सुना होगा, बट यू आई डोंट थिंक सो कि यू हर्ड अबाउट दिस ट्री, हेमलॉक ट्री. सो हेमलॉक ट्री बेसिकली अ पॉइजनस प्लांट विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स. एक पॉइजनस प्लांट है जिसके छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स होते हैं और वो फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं. ऑल राइट, सो इन दिस पोइट्री वी हैव टू स्टैंजास. Quickly, we just read it. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Okay, so see the first stanza. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. सो बेसिकली इस पोइट्री में जो पोएट है वो कह रहे हैं कि मैं हेमलॉक ट्री के जस्ट नीचे रेस्ट कर रहा था, बैठा था, सडनली एक क्रो उस ट्री पर आता है और मेरे पर क्या शुभ कर देता है, अ डस्ट ऑफ स्नो मुझ पर डाल देता है. सी यहाँ पे जब हम पहले बात कर रहे थे कि क्रो हुआ या स्नीज हुई और हेमलॉक ट्री हुआ, ये सारे नेगेटिविटी को शो करते हैं, बहुत नेगेटिव होते हैं. लाइक समटाइम्स एक ब्लैक कैट है, अगर वो हमारा रास्ता काट देती है तो हम क्या सोचते हैं, अरे ब्लैक कैट ने हमारा रास्ता काट दिया, अब कुछ नेगेटिव सा मींस कुछ तो नेगेटिव होने वाला है. व्हाई? ब्लैक इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कलर एंड कैट इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल, राइट? सो ये सब चीज़ें क्या है, हम ऑलरेडी हमारे परसेप्शन प्री कंसीव नोशंस होते हैं, ये हमारे परसेप्शन होते हैं कि हम जो सोचते आ रहे हैं स्टार्टिंग से वही हम करते हैं. बट इन दिस स्टैंजा वी सी यहाँ पे आपको क्रो भी है, राइट, और हेमलॉक ट्री भी है. ऑल राइट, सो यहाँ पे तो दो नेगेटिव चीज़ें हैं. तो ट्री ये क्या बोल रहे हैं पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि जो हेमलॉक ट्री है उस पर ऑलरेडी स्नो थी, ठीक है, स्नो थी. अब जब स्नो थी तो थोड़ी बहुत उस पर जब स्नो रह जाती है उस ट्री पर, तो क्या होता है, ये ट्री पर थोड़ी बहुत स्नो रह जाती है तो एक क्रो उस ट्री पर आके बैठता है और उस ट्री के जस्ट नीचे कौन था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट. तो उस पोएट के ऊपर वो थोड़ी डस्ट जो होती है स्नो की वो आ जाती है, राइट. अब इससे क्या होता है कि वी थॉट कि ये सब चीज़ें बहुत नेगेटिव हो गया. अब पोएट क्या फील करता है कि ये सारी चीज़ें बहुत नेगेटिव सी होती जा रही है, अब तो कुछ ना कुछ नेगेटिव होगा. मींस सी इट इज़ बेस्ड ऑन आवर थिंकिंग कि अब नेगेटिविटी को हम कैसे लेते हैं, राइट.
if we take it as a positive, तो positive होगा, और अगर हम negative way में लेंगे, तो negative होगा, right? So, कोई भी चीज़ हो, कुछ भी हो, don't take it as it is, understand? Because we know कि that we have the preconceived notion about something, but still, think positively, always, right? Look at the second stanza. Has given my heart a change of mood and saved some part of the day I had grieved. So here grieved means, here, see, grieved means held in regret, matlab kisi cheez pe regret karna, pachtawa karna, right? So has given my heart a change of mood. Yahan pe poet kya keh rahe hain ki mera jo mood hai wo suddenly kya change hua ki and saved some part. मीन्स यहाँ पे जो हैमलॉक ट्री से उसके ऊपर डस्ट और क्रो ने वो डस्ट गिराई थी, वो चीज़ें रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए नेगेटिव नहीं हुई, वो एक पॉजिटिव हुई, राइट? सो हेयर रॉबर्ट फ्रॉस्ट सेड कि बट द चेंज इन हिज मूड मेड हिम रियलाइज, मीन्स उनका जो मूड चेंज हुआ आफ्टर जो डस्ट पड़ी, उनका मूड ऐसे चेंज हुआ कि उन्हें लगा कि जो भी उन्होंने वेस्ट किया है पार्ट वो बच गया. एंड आई सेव सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड ड्रीम्ड. ओके, सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट रियलाइज दैट ही शुड यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ द डे इन द सम यूजफुल एक्टिविटीज, राइट? बिकॉज हिज सोरो वॉज वॉश्ड अवे बाय द लाइट शावर ऑफ द स्नो डस्ट. ऑल राइट, क्योंकि जो लाइट शावर था स्नो डस्ट का, उसने उसकी सारी जो सोरोनेस थी वो गायब कर दी. Okay, so at the end he realized that he had just wasted a part of his day repenting and being lost in sorrow. Okay, but now he's changed his mood. Okay, and saved some part of the day I had viewed. So, jo bhi part uska bacha hai pure day mein, means rest of the day, wo ab kya karega? Kuch useful cheeze karega. And now his spirit was revived and he got ready to utilize the rest of the day. All right. तो बेसिकली इट्स डिपेंड ऑन अस कि हम किसी चीज़ को नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे लेते हैं. अगर हम उस चीज़ को नेगेटिव ही सोचते तो हमारे पूरा दिन नेगेटिव 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 ही होता. इफ वी टेक इट एज अ पॉजिटिव इन अ पॉजिटिव वे तो सब कुछ बहुत पॉजिटिव सा होगा, राइट? सी वी ऑल नो कि क्रो सिग्निफाइज इन हिज पोएम्स क्रो सिग्निफाइज हिज डिप्रेसिव एंड सोरोफुल मूड एंड हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री. All right, both these signify that the poet wasn't in a good mood. And so he described the dark, depressive and bitter side of nature to present his similar mood. All right, but ये क्या होता है कि suppose आपका एक रास्ता एक cat ने काट दिया, right? अब हम सोचेंगे हमारा दिन बुरा जाएगा, अब तो कुछ बुरा होने वाला है, something कि कुछ negative सी चीज़ें हमारे साथ होने वाली है, राइट? ये सोचते सोचते हम अपना पूरा दिन वेस्ट कर देते हैं, है ना? और हम एक सोरो में चले जाते हैं. बट यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट पोएट ने क्या किया, इन सब चीज़ों को नेगेटिव नहीं लिया, उसने जितना भी दिन इसमें वेस्ट किया था उससे वो बाहर आता है, डिप्रेसिव मूड और बिटर साइड से वो बाहर आता है और चेंज करता है और सोचता है अब जो भी रेस्ट ऑफ डे उसका बात की है वो उसे एक यूजफुल काम में स्पेंड करे, रादर देन कि वो रिपेंट करता रहे होल डे. अंडरस्टैंड? सो दिस इज द चैप्टर. थैंक यू.